राम राम जी सारे ने। मैं एचआर जीके बाय बीके पहले साथियों, आज एक बड़ी खुशी की बात है, आज अपने खुद के गांव में पहुंचा हूं। और गांव में भी इसलिए पहुंचा हूं कि हमारे गांव में कोच कैप्टन रामधारी सिंह की एकेडमी है और उनके नेतृत्व में अनेकों हीरे तराशे जा रहे हैं। और उनमें एक खास बात मैंने के लगी, एक बड़े बड़े शहरों तक छोड़ कर और बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर ने छोड़ कर फौजी साहब भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग करना है गांव में, क्योंकि कोच साहब ने इस तरह के रिजल्ट दिए हैं। पीछे ही हमारी बेटियां जीत का आई थी इस अकेडमी की, आज वो यहाँ नहीं है, उनका इंटरव्यू बाद में लेवांगे, क्योंकि एक इस क्षेत्र में खेल का क्षेत्र में गुरुजी ने बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं कोच कैप्टन रामधारी सिंह। और हमारी अकेडमी है या गाँव के अंदर, तो यह वीडियो इसलिए बना हूँ ताकि कोई बहन भाई जो खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं और वो ट्रेनिंग करना चाहूँ यानी कि प्रैक्टिस करना चाहूँ हैं तो इस एकेडमी तक वो जुड़ सके हैं। साथ में इसका नंबर भी बता देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर है, प्रवीण इंचार्ज है इस एकेडमी का, और कोच साहब से भी बात करवाएंगे कि किस एज के और कैसे बच्चे यहाँ तैयारी कर सके हैं। पीजी की सुविधा भी आड़े उपलब्ध है, बारी बारी बात करवाएंगे सारे से भाई। ये एक बढ़िया, मैं बताऊँ कैमरामैन तक कहूँगा ग्राउंड दिखा दो, यहाँ पर जो तैयारी करवाई जाए, बच्चे अभी भी जो है प्रैक्टिस घूमने वाले घूम रहे हैं, तैयारी करने जो है तैयारी कर रहे हैं अलग अलग। और फिर बारी बारी सब तक बात कराएंगे, सब तक पहले बात कराएंगे अपने कोच साहब तक, कोच कैप्टन रामधारी सिंह तक। वो साहब राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो सर जी? एकदम बढ़िया भाई जी। तो गुरु जी एक बात पूछना चाहूँगा कि अपना जो एकेडमी है इसमें किस उम्र के बालक, मान ले किस एज तक शुरू कर दें प्रैक्टिस, मान ले उम्र लिमिट है कुछ, और किस किस गेम की आप आड़े तैयारी कराओ, एक बार मैंने डिटेल में बता दो। एक तो बच्चे जो अपने बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के अंदर 8 से 14 साल के एज ग्रुप होता है, तो 8 साल से ही हम शुरू करवा देते हैं बच्चे की मेहनत करवाना। और एथलेटिक्स में 24 इवेंट्स होते हैं तो हम सभी इवेंट्स की तैयारी करवाते हैं इधर। तो 24 के 24 गेम की आप आड़े तैयारी करावा। हाँ, फिलहाल में एक पाछे ही अखबारा में भी आई थी, न्यूज में आई थी, वह बेटी थी पूजा, वह कौन से गेम में और कहाँ पर उसका मेडल आया था, एक वो बता दो। वो इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल था उसका। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, उसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में एक दो महीने बाद में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होना है, उसके लिए भी सिलेक्शन हो गया है उसका। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ होगी भाई साहब? ये होगी चाइना में। तो देखो भाई, बड़ी खुशी की बात है कि गांव की बेटी एक विदेश में खेलने जाओगी, इस तरह बड़े गौरव की के बात होगी। तो यहाँ भी जमीनी सतर पर हीरे तराशे जा रहे हैं, तो वीडियो ना जो भी देखने लग रहा है वो शेयर कर दियो, क्योंकि आप खेल नहीं सकते तो किसी को प्रेरणा जरूर दे सको हो ताकि वो अपना भविष्य उज्ज्वल कर सके। नू कोनी की बड़ी बड़ी लाइटा में, बड़े बड़े स्टेडियम में तैयारी हो सके है, जमीनी सतर पर गाँव में भी तैयारी कराई जाए। और गुरु जी इस पहल में बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो साहब अपने पास में ये जो फौजी साहब आ रही है, इनसे पहले एक बार एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। आपने पूजा के लास्ट ईयर में 3 गोल्ड है नेशनल में, अंडर 20 फेडरेशन कप, अंडर 20 जूनियर नेशनल और अंडर 23 जो पहली बार हुआ था दिल्ली के अंदर, तीनों में गोल्ड है, और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल है। उसके अलावा एक हमारे पास में अंडर 18 की गर्ल्स है, वंशिया घणगस, वंशिया घणगस जो अभी 11th क्लास में पढ़ रही है, और उसका फ्रांस में वर्ल्ड स्कूल गेम होना है, फ्रांस के अंदर ऑलरेडी वो भी क्वालिफाई है। बहुत बहुत बधाई हो गुरु जी आपने। देखो हमारे गांव के मान ले इस क्षेत्र तक दो बेटियां जो हैं, एक तो फ्रांस खेलने जाओगी और एक चीन में खेलने जाओगी, बहुत खुशी की बात हो है। देखो इतना बड़ा प्रयास यो किया जा रहा है, एक वह जो पोल वाल्ट की किट है ना, वह भी 8-10 लाख रुपया क्या हो शायद गुरु जी, कितने क्या? तो ये 8 लाख से लेकर 15 लाख तक की कीमत की किट होती है, और जो बच्चा पोल यूज करता है वो अपना पर्सनल पोल होता है, एक पोल की कीमत 1 लाख रुपये के आसपास होती है, और एक बच्चा कम से कम भी 2-2, 3-3 पोल रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, मौसम के हिसाब से कभी हवा चल जाती है कभी बॉडी नहीं चलती, तो इस हिसाब से 2-2, 3-3 पोल हर एक के पास बहुत ज़रूरी है होना अगर आगे आपने बढ़ना है तो। तो भाइयों एक बार गुरु जी तो बाद में ही बात करांगे, पहले फौजी साहब आ रहे हैं अपने पास में, इन तक बात करांगे भाई ये जो है कद आए थे और कैसा रहा इनका यहाँ अनुभव। तो राम राम फौजी साहब। राम राम। आपका नाम जी? विक्रम। कहाँ से हो आप? हिसार से। हिसार से विक्रम, वैसे आप सेंटर हिसार सेंटर से हो आप? नहीं हिसार से हूँ मैं, वैसे दिल्ली सेंटर है मेरा। अच्छा अच्छा। और मैं इधर कोच साहब के पास से करीबन 2 महीने हो चुके हैं, इधर प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं। तो कैसा अनुभव रहा है आपका, एक बड़े बड़े शहरा ने छोड़कर आप ग्रामीण क्षेत्र में तैयारी करने आए, खासकर कोच कैप्टन रामधारी सिंह के पास, आपका अनुभव कैसा रहा प्रैक्टिस का 2 महीने का? यहाँ बढ़िया है अनुभव, प्रैक्टिस करवाते कोच साहब बेस्ट है, कोच मतलब इधर जो भिवाणी में देखते हो आप, शहर में सिटी में जहाँ कहीं भी सिंथेटिक हो या कहीं भी हो, उससे भी मतलब ये नहीं है कि डाउन है, लेकिन अब भी मिलेगा इधर, क्योंकि
अच्छे बच्चे हैं, इधर कोच साहब है एक्सपीरियंस्ड है, मेन बात ये अनुभवी हैं। हाँ अनुभवी है, मेन बात ये होनी चाहिए, हर जगह होती है। और यहाँ पे हमें कोच साहब मिले हैं, अच्छा अनुभव है कोच साहब को हर गेम में, और हमें अच्छी प्रैक्टिस करवाई। तो आप आड़ पीजी में रहते? हाँ इधर पीजी में रहते हैं प्रवीण कुमार। कैसे ठीक रहा? हाँ बढ़िया है, बेस्ट है, बढ़िया। तो अब कब जा रहे हो? अभी आज निकल रहे। अच्छा आज फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा भाई फौजी साहब तो मिलकर। आपका नाम जी? सचिन। सचिन आप कहाँ से हो? रोहतक से। रोहतक से, और ड्यूटी? ड्यूटी नागालैंड। नागालैंड में ड्यूटी है। तो कैसा रहा सचिन भाई आड़े आके फौजी साहब? यहाँ पे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, कोच साहब भी बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस मेहनत बहुत अच्छी करवाते हैं, और खाना पीजी में खाना भी अच्छा मिला। खाना भी अच्छा मिला है। एक बात और है जी, अपना इम्प्रूवमेंट होया है कुछ गेम में? हाँ सर। तो फौजी साहब बहुत बहुत बधाई, आप तो देश की सेवा कर रहे हो, और हम तो उम्मीद करांगे कि भविष्य में आप भी सेना की ओर से मेडल लेकर आओ, और हमने गर्व हो कि हमने हाँ जवाना की वीडियो बनाई थी, और उनमें यो जवान है जिन्होंने देश खातर मेडल लिया है। बहुत बहुत बधाई हो सचिन भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो फौजी साहब? बढ़िया जी। आपका नाम? मेरा नाम रजत जी। रजत आप कहाँ से हो? मैं यूपी सहारनपुर से जी। यूपी सहारनपुर से रजत फौजी भाई आए हैं, और ड्यूटी कहाँ फौजी साहब आपकी? ड्यूटी जी पंजाब फिरोजपुर। पंजाब फिरोजपुर में ड्यूटी है। देखो फौजी साहब मेरा एक के सीधा सवाल है, देखो पंजाब में भी बड़ी बड़ी लुधियाना शायद स्पोर्ट्स अकेडमी है, और भी सेंटर में आप जा सको थे, फिर इस गाँव में कैसे आए आप कोच साहब के पास? तो साहब एक तो बढ़िया खिलाड़ी रहे हुए हैं अपने बचपन से ही, और पूरी नौकरी गेम में काट दी है। बिल्कुल बिल्कुल साहब ने तो, और 10 सर्विसेज मेडल है, और नेशनल मेडल है 11-12, तो गोल्ड ही है सारों में साहब। तो यहाँ बढ़िया रहने का, बढ़िया खाने का, बढ़िया ग्राउंड है, बढ़िया गद्दे ला रखे साहब ने, पोल पाल साहब अपनी ढबते ही ला रखे हैं, घना खर्चा कर रखा है, और बढ़िया अकेडमी खोल रखी है, बढ़िया प्रैक्टिस करवा है हर चीज की। तो आप तो सही है। एक सवाल और, आप तो सेना के जवान हो, और आप जो अपने युवा भाई इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं जो गेम की तैयारी कर रहे हैं, उन खातर एक छोटा सा संदेश के कहना चाहोगे भाई जिन्हें तैयारी करनी उन खातर? भाई तैयारी करनी हो तो साहब के पास टेम सिर पहुंच जो बस 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 कहने का मतलब ये हो, उम्र बीतने के बाद पछताना ना पड़े, जिसने तैयारी करनी है ना भाई टेम पा जो, क्योंकि ये सेना के जवान है, मतलब इनके तो ये तो मतलब गेम की ओर तो देश का और नाम आगे ले जाना चाहो, देश की सेवा तो ये करने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया फौजी साहब, आप तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। फौजी साहब राम राम। राम राम। कैसे हो जी? बढ़िया। आप कहाँ से फौजी साहब? एक बनू राजस्थान से। राजस्थान से फिलहाल आपकी ड्यूटी? पंजाब। पंजाब में फिरोजपुर पंजाब में है। फौजी साहब आपका जो अनुभव रहा हाड़ा का प्रैक्टिस करने का इस ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़े बड़े शहर छोड़ कर, क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ बहुत बढ़िया है, कोच साहब भी बहुत अच्छे हैं, कोच साहब का नेचर ठीक है, और ग्राउंड ट्रेनिंग है कोच साहब की बहुत बढ़िया रही है ठीक है। हमारे को 2 महीने हो गए यहाँ, खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी है ठीक है। खाने पीने की कोई दिक्कत को नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लस्सी खाओ, दूध भी हो ठीक है, जूस जास की भी यहाँ सब सुविधा उपलब्ध है। कहने का मतलब ये हो भाई जो बाहर जिसने गेम करना है ना उस खातर तो इस तो बढ़िया जगह से को नहीं है। हाँ एक बार आप किस पोस्ट पर हो ये और बच्चे पूछना चाह रहे हैं? ओलदार हूँ। ओलदार है, बहुत बहुत खुशी की बात है। देखो इतने मैं तो एक के बात मैंने खुशी या हुई कि आज अपने गांव में इतने बड़े बड़े सेना के जवान भी आकर तैयारी कर रहे हैं, मेरे लिए इससे गर्व की बात क्या हो कि हमारे गांव में इतने बड़े कोच हैं, कोच साहब हैं, उनको मैं नमन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और भी पूरे हरियाणा भारत में कोई भी इस वीडियो देखने लगा शेयर जरूर कर दियो, हालांकि आप गेम ना कर दे लेकिन यह वीडियो शेयर करोगे तो काल ना कोई भाई अपना भविष्य है उज्ज्वल कर सके। जैसे 2 बेटियाँ हैं, एक फ्रांस खेलने जाओगी, एक चीन खेलने जाओगी, तो छोरी भी हमारे छोरियाँ तक कम नहीं है, इस प्रकार की बात या बिल्कुल अड़ है साची लागे। तो फौजी साहब आखिरी में क्या कहना चाहोगे दो भाई अपने युवा पीढ़ी के बारे में, 2 मिनट का छोटा संदेश? कि यहाँ आए कोच साहब के पास से ठीक है, ट्रेनिंग ले अच्छी, अच्छे मेडल वो लेके आए बाहर से भाई। देख बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। राम राम। राम राम। राम राम फौजी साहब। राम राम। कैसे हो? बढ़िया। आपका नाम जी? मेरा नकुल चौधरी सर। नकुल चौधरी आप कहाँ से हो? यूपी मुरादाबाद। यूपी मुरादाबाद से है नकुल चौधरी। अब वर्तमान में आपकी ड्यूटी कहाँ है? मैं सर जाट सेंटर बरेली। जाट सेंटर बरेली में। तो आडा कोच साहब के पास आपने ट्रेनिंग करी है पोल वाल्ट की, हाँ। कैसा महसूस कर रहे हो आप, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है गेम में? हाँ सर बहुत बढ़िया है, सारा इक्विपमेंट साहब ने यहाँ पोल वाल्ट का बना रखा है, ग्राउंड बढ़िया है, जिमनास्टिक वगैरह सब कुछ सारी सुविधा साहब ने यहाँ कर रखी है, तो बहुत बढ़िया है। खान पीन की कोई दिक्कत? खान पीन की कोई दिक्कत नहीं सर, सब बहुत पीजी में ठीक खाना मिला है, नंबर 1 का था। बहुत देखो भाई खान पीन की व्यवस्था बढ़िया है,
गेम करण की जगह बढ़िया है, कोच बढ़िया है, तो फिर जरूरत क्या की है? जरूरत उस जज्बे की है जो जज्बे आप पैदा हो रहे हो और जो आपने अपने सपने देखे या माँ बाप का नाम रोशन करने खातर जो आपने सोचा है, तो उठ जाओ, जागो और आओ और अपना भविष्य बनाओ। फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। आपका नाम? मोहित। मोहित, आपकी वर्तमान में कहाँ ड्यूटी पर हो? फिरोजपुर पंजाब में। फिरोजपुर पंजाब में। वैसे कहाँ से हो मोहित भाई? भिवानी से। भिवानी से है, ये तो अपने घर हल्लू जिले से ही है। मोहित भाई कैसा लगे आप आड़ा के? बहुत बढ़िया लगे भाई साहब, कोच भी बहुत बढ़िया है और पीजी वाला भी बहुत बढ़िया, खाना खुना सब बढ़िया दे रहे हैं। प्रैक्टिस बढ़िया हो है? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी नुको आ रहा हम को दे प्रैक्टिस ना हो ना? बहुत बढ़िया। वाका झूठी होगी? झूठी होगी। गाम तो हीरे निकाले जा सके? निकाले जा सके बिल्कुल। देखो भाई गाम में तो हीरे निकाले जा सके और वह बात आड़ा साची लगी क्योंकि बड़ी बड़ी लाइटा के दो स्टेडियम देखे हैं आपने, दो शीशे वाले ग्राउंड देखे हैं। ये दास आपका कौन सा गेम है? 10 किलोमीटर इवेंट। ओ रेस में? हाँ। अरे अरे, वो मैं तो पोल वाल्ट में ला रहा था। तो भाई जो है 10 किलोमीटर, कहने का मतलब यो है हमारे जो कोच साहब है 24 गेम की तैयारी कराओ भाई। 24 में जुड़सा भी आपका गेम हो आप संपर्क कर सको हो। वीडियो को नीचे नंबर की पट्टी चाल लगी, वो पीजी इंचार्ज का नंबर है। कोच साहब तो बात करना चाहूंगे थे, इंचार्ज जो है प्रवीण शर्मा जो है आपकी बात है। कोच साहब तो जैसे भी समय मिलेगा वो कोच साहब तो आपकी सीधी बात करा देंगे। तो नंबर प्रवीण इंचार्ज का हम नीचे पट्टी चला देंगे। आपने के है आपका एक ही काम है, इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। तो मास्टर ऐड करने लगे, ऐड नहीं करता हूं मैं, ऐड करता हूं इस मिट्टी के लिए, मैं ऐड करता हूं इस देश के लिए, क्योंकि आड़ तो हीरा तराशा जाएगा और मेरे देश का नाम रोशन होगा और वो नाम रोशन करेंगे हमारे फौजी साहब, हमारी बहन बेटी। तो इसलिए हम उड़े कोचिंग देने लग रहे हैं, उड़े भी भविष्य बनावा हाँ, लेकिन एक गाँव में कोच साहब जो भविष्य बनावा है उनको मैं सलाम करता हूँ। फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम भाई। आप भी फौज में? अरे 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 छोटा, देखो भाई देखो कहीं तो उठ दे भी कौन इस उम्र में, ये फौज में ड्यूटी कर गेम की उड़ता। आपका कौन सा गेम है? 1500 मीटर। 1500 मीटर रेस। फौजी साहब आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान चूरू। चूरू राजस्थान, तभी खरक की भूमि को मैं नमन करता हूँ। इतनी दूर दूर तक इतने प्रदेशों तक बाढ़ कान लाग रहे हैं आड़े। एक कहने का मतलब मेरा दिखाने का उद्देश्य यो है कि आड़ा आके एक बार आप जरूर देखें, आपका भविष्य जरूर उज्ज्वल होगा। आपका नाम? मेरा नाम जगदेव। जगदेव आपकी ड्यूटी कहाँ है अब? फिरोजपुर पंजाब। फिरोजपुर पंजाब से हैं ये भाई भी। तो प्यारे आपने आड़ा कैसा लगा फौजी साहब यहाँ आकर? कैसा? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। तैयारी सही हुई है कोच साहब का नेतृत्व में? बहुत बढ़िया। खान पीन की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप कब जा रहे हो? हम आ जाएंगे। आज जाएंगे। हाँ। और कुछ क्या कहना चाहोगे? देख इस उम्र में कई बालक तो मान ले फोन में बड़े रहे हैं और आप देश की रक्षा कर रहे हो, मैं नमन करता हूँ आपको, सल्यूट आपको, मेरा सलाम है, क्योंकि फौजी तो बड़ा इस देश में कोई को नहीं। हम तो एक बात जाना हाँ जी, बाप रक्षा करो तो हम आड़ खुल कर बोल रहे ना, इतनी देर में भट्ट दनी कोई ना कोई आड़ मारे गोली कड़म में, लेकिन आप हमारी रक्षा कर रहे हो। एक जो युवा हैं जो सूते रहे हैं 9 बजे उठे हैं, उन खातर एक 2 मिनट का छोटा संदेश इस उम्र में। कई साल हो गया आपने फौज में? 3 साल। 3 साल तो ड्यूटी कर देने वाली है फौजी साहब ने। एक छोटा संदेश शर्मा ना अपना खुल कर बोलो, यो देश अपना चैनल अपना और वीडियो शेयर करनी है भाई अपने। करने को आदमी कुछ भी कर सकता है, उम्र नहीं देखी जाती। उम्र नहीं देखी जाती। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। राम राम। राम राम जी। तो प्यारे साथियों देखिए अलग अलग गेम थे, रेस थे भी, पोल वाल्ट थे भी, और एक फौजी साहब ने जिक्र करा था कि जो कोच साहब है हमारे उनके 10 मेडल सेना मेडल जो भी वो मिले हुए हैं उनको कोच साहब थे बुझाएंगे। भाई मैंने तो नाम का बेरा नहीं कौन से मेडल कोच साहब ने मिले हैं और कौन से मतलब खेल में पोल वाल्ट में गुरु जी ने कौन से मेडल ले रखे। कोच साहब राम राम। राम राम जी। एक फौजी साहब ने जिक्र करा था, आपके मेडल बता दो एक बार कौन से मेडल थे। देखो सबसे पहले तो सेना के अंदर एक सर्विसेज कंपटीशन होता है जिसके अंदर तीनों सेनाएं इंक्लूड होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। जी सर। तो उसमें प्रमोशन भी होता है जो सिपाही डायरेक्ट भर्ती होता है, अगर वो उस सर्विसेज के अंदर मेडल ले लेता है तो डायरेक्ट हौलदार बनता है। जी। ये छोटा मेडल नहीं है, बहुत बड़ा मेडल है एक सैनिक सेना के लिए। जी। और एक जवान के लिए जो सिपाही से डायरेक्ट छलांग लगाता है हौलदार तो बनता है। अच्छा। तो उसमें मैंने 10 गोल्ड है मेरे, जिसमें से मैंने 8 बार रिकॉर्ड किया सर्विसेज का। आठ बार रिकॉर्ड किया है। 10 गोल्ड। 10 गोल्ड कंटिन्यू लगातार। और नेशनल में मेरे 11 मेडल है जिसके अंदर हमने वर्ल्ड मिलिट्री गेम भी करवाए हैं 2007 के अंदर हैदराबाद में, उसमें भी इंडिया की तरफ से टेक्निकल डेलीगेट का काम किया है। तो गुरुजी एक बात और है, जैसे बाहर तक कोई लड़की आना चाहे उन खातर विशेष रैंक की व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल व्यवस्था है हमारे पास में, पहले भी कई बच्चियाँ अभी आई भी हुई है और पहले भी आई थी इलाहाबाद से यूपी से, अभी भी एक दो बच्ची एग्जाम वगैरह चल रहे हैं की कॉन्टेक्ट में है, 2-3 बच्चे बाहर से आएंगे अदर स्टेट से।
तो भाइयों कहने का मतलब यो है, बाण भाई जो तैयारी करना चाहो किसी भी स्टेट का हो तो आप आकर अपना भविष्य उज्जवल कर सके हैं। गुरुजी एक युवाओं के लिए छोटा है एक मिनट का संदेश क्या कहना चाहोगे? सबसे पहला जो सबसे बड़ा संदेश तो ये है, अपने भविष्य को सुधारो, नशे से बचो, और अपना साथ साथ एक पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स का फील्ड भी साथ में जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। बीमारियों से बचे रहोगे, अपना भविष्य उज्जवल करोगे, बच्चे की लाइफ सिक्योर होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब उठो तभी सवेरा है, इस चीज़ में ढील नहीं, और अपने भविष्य की तरफ देखते हुए आगे से जल्दी अपना कोई भी मुकाम पाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया सकता। मेहनत करो, दिल लगा के करो, और आने वाले टाइम में अपनी ज़िंदगी को, अपने भविष्य को, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करो, और उच्च लेवल पर अपने गेम में ध्यान लगा के इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आओ। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब। धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, कोच साहब तो मिलवा, सारे भाइयों तो मिलवा, फौजी साहब बात है, तो आप इसका जो वीडियो है इसका नीचे प्रवीण शर्मा का जो इंचार्ज है उनका जो नंबर दे दिया जाएगा, पीजी इंचार्ज हैं, और वो आपने फ़ोन पे बता देंगे जो भी अपना आन का जो इच्छुक है। और कोच साहब तो बात करना तो जैसे ही समय मिलेगा तो कोच साहब तभी आपकी बात करा देवेंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि आप लोगों का प्रयास भी एक किसी न किसी भाई का भविष्य उज्जवल कर सके है। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, राम राम सारे भाई।